गुड मॉर्निंग क्लास फोर बेटा, टेक आउट योर सोशल स्टडीज बुक। टुडे वी विल स्टडी लेसन 3 सोशल, लेसन 3 इंडिया एंड इट्स नेबर्स। ठीक, जैसे हम और हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे आसपास नेबर्स होते हैं, वैसे हमारी कंट्री के पास भी तो नेबर्स हैं ना। तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया एंड इट्स नेबर्स के बारे में। देखो तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। पहली बात ये जान जाओ बेटा कि बहुत पहले, ठीक ना, ऐसा माना जाता था कि इंडिया बहुत बड़ा था। ठीक, और इंडिया में एक सिविलाइजेशन थी जिसका नाम हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन जानते हैं। ये ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है पूरे वर्ल्ड की, जो कि सिर्फ इंडिया में ही एग्जिस्ट करती थी। इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है कि नेशन ऑफ डाइवर्सिटीज़ है। यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिफाई तरह से लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग परंपरा को मानने वाले। ठीक, जानते ही हो आप। ये अगर एरिया वाइज देखा जाए तो इंडिया जो है कि वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज, और 2nd लार्जेस्ट है पॉपुलेशन वाइज। और बात करें इंडिया के लोकेशन की, तो इंडिया कहाँ पाया जाता है, एशिया में पाया जाता है इंडिया। एशिया जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है। अगर इसकी बाउंड्रीज आप देखो तो 3200 किलोमीटर नॉर्थ से साउथ तक जाती है, और ईस्ट वेस्ट की बाउंड्रीज अगर आप देखोगे तो 2900 किलोमीटर्स के आसपास की है। इंडिया में साउदर्न साइड आप देखो तो, इंडिया में साउथ इंडिया में आप साउथ साइड जाओगे जब इंडिया की, तो आपको बहुत बड़ी बड़ी 3 महानदियाँ और ओशियंस मिलेंगे। अरेबियन सी मिलेगा आपको, इंडियन ओशियन मिलेगा आपको, और बे ऑफ बंगाल भी मिलेगा आपको। तो 3 तरफ से ये पानी से घिरा हुआ है, सदर्न साइड इसका पेनिनसुला जिसको कहते हैं। 3 तरफ से जो वाटर लैंड फॉर्म जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम लोग पेनिनसुला कहते हैं। और देखें अगर इंडिया के बारे में बेटा, तो देखते हैं आगे, चलिए देखिए। ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट है जिसमें कि इंडिया बना हुआ है, तो बता रहा है कि इसी वजह से इंडिया को जो है कि इंडिया, वाई दिस इज़ वाई इट इज़ नोन एज इंडियन पेनिनसुला। इसी को हम इसीलिए हम लोग इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। इधर अरेबियन सी है, इधर इंडियन ओशियन है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है। ठीक, अब बात करें लैंड बाउंड्रीज़ की, लैंड बाउंड्रीज़ किसकी बात करिए तो बता रहा है कि 15,200 किलोमीटर्स लॉन्ग है, और कोस्ट लाइंस जो है कि ऑफ मेन लैंड अबाउट 6,100 किलोमीटर्स हैं। कोस्ट लाइंस जानते हो, कोस्टल लाइंस, ये जो समुद्र या नदी के किनारे किनारे, समुद्र के किनारे किनारे जो एरिया होता है ना, इसको कोस्ट लाइन कहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एरिया कवर करती है, करीब 6100 किलोमीटर का ये जो है कि एरिया कवर करती है। प्लस नॉर्दर्न पार्ट में कौन है इसके, नॉर्दर्न पार्ट यानी कि इधर कौन पड़ता है इसके, यहाँ पे इसके हिमालयन रेंज है जो कि बहुत बड़ी रेंज है। तो इस हिसाब से ज़रा फिजिकल फीचर्स देख लीजिए इंडिया के क्या हैं। तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स की बात की जाए तो नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है, कोरल प्लेन्स हैं, और आइलैंड ग्रुप्स भी हैं कुछ। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको आइलैंड ग्रुप्स भी हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये रेंज जो पड़ेगा वो नॉर्दर्न माउंटेन पड़ेगा, फिर ये रेंज जो पड़ेगा वो आपका नॉर्दर्न प्लेन पड़ेगा। ठीक है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट आपको राजस्थान में मिलेगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू आपका ये है क्योंकि आपको पेनिनसुला पता ही है क्या होता है। ठीक, कोस्टल प्लेन्स क्या होंगे, जो साइड साइड में जो एरिया है वो आपका कोस्टल प्लेन्स कहलाएगा, और आइलैंड ग्रुप्स आपको दिख ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब पॉलिटिकल डिवीज़न की बात करें तो इंडिया को देखो 29 स्टेट पहले था, मतलब सबसे पहले 28 था, फिर 29 हुआ जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग हुए तो 29 हो गया। फिर अब क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, और अब जम्मू कश्मीर और क्या हो गया है, एक और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी नई बन गई है। तो यहाँ पर 2 नई यूनियन टेरिटरीज़ हैं। ठीक है, और भाई सेंट्रल और स्टेट 2 तरह की गवर्नमेंट रूल करती है यहाँ पे। सेंट्रल गवर्नमेंट कहाँ करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट सारी जो 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन पे रूल करती है, और स्टेट गवर्नमेंट किस पे रूल करती है बेटा, तो स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी स्टेट्स हैं, जो 28 स्टेट्स आपके बचे उस पे स्टेट गवर्नमेंट रूल करती है। ठीक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का लैंड है आपका यहाँ पे, तरह तरह के लोग रहते हैं,
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बहुत डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग फूड, अलग अलग क्लोदिंग्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डाइवर्सिफाई है, लेकिन फिर भी हम सब लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें क्या दिया है, इस चैप्टर में आपको दिया है ठीक है क्या नेबर्स के बारे में। तो देखो नेबर्स कौन कौन से हैं आपके, दिख रहा होगा आपको फ़ोटो में नेबर्स कौन कौन से दिख रहे हैं आपको। इंडिया है, इंडिया के जस्ट बगल में आपको पाकिस्तान दिख रहा है, उसके ऊपर आपको अफ़गानिस्तान दिख रहा है, चाइना दिख रहा है, नेपाल दिख रहा है, भूटान दिख रहा है, बांग्लादेश दिख रहा है, म्यांमार दिख रहा है, और नीचे क्या दिख रहा है, श्री लंका। ये सारे इंडियन नेबर्स हैं। इंडिया जो है कि इंडिया फॉर्म की है एक एसोसिएशन, एक संगठन बनाया है जिसका नाम सार्क है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें लगभग सारे कंट्रीज़ ये मेंबर्स हैं। तो यही था आपका चैप्टर, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेज लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।